जमावबंदी आदेश का उल्लंघन करने वाले पर गुनाह दाखिल किए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी ने फिर नागरिकों को संचार बंदी आदेश का कड़ाई से पालन करने का आह्वान किया। जागतिक आरोग्य संगठन ने कोरोना वायरस से फैल रही बीमारी यह संक्रमण बीमारी घोषित की है। कोरोना वायरस का प्रसार भारत में संपूर्ण महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहा है। चंद्रपुर जिले में इस कोरोना वायरस का प्रादुर्भाव रोकने के लिए फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 के कलम 144 1-3 के मुताबिक जिलाधिकारी ने जमावबंदी आदेश निर्गमित किए। फिर भी कई नागरिक जमावबंदी आदेश का उल्लंघन कर रास्ते पर बेवजह घूमते नजर आने पर 19 मार्च 2020 से 24 मार्च 2020 तक जिलाधिकारी इनके जमावबंदी आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान संहिता कलम 188 के मुताबिक 39 गुने दाखिल किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी ने चंद्रपुर जिले के सभी नागरिकों को फिर आह्वान किया है कि चंद्रपुर जिले में कोरोना वायरस का प्रादुर्भाव रोकने के लिए शासन द्वारा निर्गमित किए संचार बंदी आदेश का पालन नागरिकों ने कड़ाई से कर स्वयं और अन्यों की जान खतरे में ना डाले, साथ ही पुलिस को सहकार्य करे। संचार बंदी आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी।